हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा सा ये बताने वाला हूँ कि जो आप आरआरबी जेई का फॉर्म भरते हैं उसके अंदर एक छोटी सी गलती ना करें, क्योंकि ये गलती आपके लिए भारी पड़ सकती है। ठीक है ना, गलती के अंदर ये है कि जैसे ही आप उसके अंदर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो उसकी यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई हुई, तो उसको देखने के लिए आप पेज नंबर 27 खोलिए। जैसे आप पेज नंबर 27 और 28 खोलेंगे, ठीक है ना, पेज नंबर 27 और 28 खोलेंगे तो आप देखेंगे पेज नंबर 27, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो फ़ोटो के लिए जो मांगा गया है, यानी जो आपकी जो पृष्ठभूमि यानी जो फ़ोटो का बैकग्राउंड है वो इसके अंदर यहाँ पर सफ़ेद मांगा गया है। ठीक है ना, तो आपका जो फ़ोटो है उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। दूसरी बात, जो सिग्नेचर की कंडीशन मांगी गई है वो सिग्नेचर की किस में ब्लैक काले पेन की स्याही से मांगी गई है, यानी जो आप सिग्नेचर करते हैं तो उसको काले पेन की स्याही से करना पड़ेगा। ठीक ना, और यहाँ पर जो डायमेंशन वगैरह दिए हैं वो आप देख लेना। ठीक है, अगर आप ये दोनों गलती कर देते हैं तो आपका फिर इसको करेक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है ना, और करेक्शन करने के लिए आपको 100 रुपीज़ चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है ना, करेक्शन चार्ज आपको कितना रहेगा, 100 रुपीज़ रहेगा। ठीक ना, तो आप ये सावधानी बरतें कि आप जो फ़ोटो का जो बैकग्राउंड मांगा गया है वो ब्लैक ही वो वाइट रहना चाहिए, और जो फोटो के सिग्नेचर का जो कलर मांगा गया है, ठीक ना, जो फोटो का सिग्नेचर का कलर मांगा गया है वो अपन का ब्लैक पेन से होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।